आज 23 मार्च है, 23 मार्च 2017। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में अभी हम खड़े हैं और यहां पर बिहार दिवस चल रहा है। बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 में अलग हुआ था बिहार और 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष मनाया गया और तब से आज तक ये दिवस एक उत्साह का दिवस, एक इतिहास को संजोने का दिवस मनाया जाता है। ये 105वां बिहार दिवस है जो 22, 23, 24 तीन दिनों तक चलेगा। आज 23 तारीख है, 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इस मेले का उद्घाटन किया गया और 23 तारीख को काफ़ी लोग यहाँ पर दिखे। अब रात के 10 बज रहे हैं और अब यहाँ पे धीरे धीरे लोग अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। धीरे धीरे सन्नाटा हो रहा है, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पवेलियंस अब बंद हो चुके हैं, लोग अब वापस लौटने लगे हैं। मैं आपको बताऊंगा गांधी मैदान के बीचों बीच भितरवा आश्रम और 350वें प्रकाश पर्व को लेकर बनाए गए उसकी यादों को समेटने की कोशिश की गई है। और 350वां प्रकाश पर्व जो मनाया गया था उसे दिखाने की कोशिश की गई है। हम अभी आपको लिए चलते हैं वहाँ पर और वहाँ पे दिखाएंगे कि क्या कुछ वहाँ पर है। अभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और बेसिकली 350वां प्रकाश पर्व जो मनाया गया था यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश को लेकर उनका प्रकाश हुआ था। तो 350वां प्रकाश पर्व मनाया गया था, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था पटना की धरती पर, इसलिए इसको इसे होली सिटी भी बोलते हैं। और गुरु का बाग, तख्त श्री हरमंदिर श्री गुरुद्वारा और हांडी साहब के बाद मतलब जो भी मतलब प्रसिद्ध यहाँ पे गुरुद्वारे थे वहाँ पर सिख श्रद्धालुओं का आना जाना था। दूरी थी इन गुरुद्वारों के बीच में, काफ़ी लोग वहाँ पे पहुँच नहीं पाए थे, जिसको लेकर एक जगह पे ये वृत्ताकार आकार में 350वां प्रकाश पर्व की यादों को समेटने की कोशिश की गई है, जिसमें गांधी मैदान में जो गुरुद्वारा बनाया गया था उसे दिखाया गया है। ये उसकी यादों को समेटे हुए हैं। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब पटना साहिब पटना सिटी में जो है वहाँ पर जो गुरुद्वारा है उनकी वहाँ पर जो भी कार्यक्रम होते हैं उनकी यादों को समेटने की कोशिश की गई। और फिर हांडी साहब गुरुद्वारा और गुरु का बाग, तीन सौ पचास प्रकाश पर्व में ये मुख्य आकर्षण थे। कई टेंट सिटी बनाए गए थे, कई कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए गए थे और दूर दूर से सिख श्रद्धालु यहाँ पर आए थे। आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत ये बनाया गया है, वृत्ताकार है, चार रास्ते बनाए गए हैं इसमें, चार गुंबद दिए गए हैं इसमें और इसमें जो लाइटें लगाई गई है ये अपना रंग बदलती है, अपना रंग
धीरे धीरे बदलती है, जो काफ़ी सुंदर लगता है। इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार ये अपना रंग बदल रही है। आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये अपना रंग बदलने के कलर बदलती है। और यहाँ पे काफ़ी तस्वीरें लगाई गई है, आप देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर तस्वीरें लगाई गई हैं, जो 350वें प्रकाश पर्व के समय की जो यादें हैं उसे समेटने की कोशिश की गई है, उसे यहाँ पर लाने की, यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। आपको अंदर लिए चलते हैं, जहाँ पे रंग बिरंगी लाइटें हैं, पूरा उजला बना हुआ है, वाइट बना हुआ है, लोग सेल्फी ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये गांधी मैदान का टॉप व्यू है। उसके बाद हाथी नगर कीर्तन के समय का ये साफा, ये नगर कीर्तन का, ये गांधी मैदान में जो बनाया गया था उसकी झलक है। ये उसका इंटरनल पार्ट जो कि लोग जो प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए थे उन्हें अच्छी तरह से याद होगा। ये दक्षिण मंदिर के द्वारा कितने लोग यहाँ पे आए थे, गांधी मैदान का ये दृश्य टॉप को। ये भी गांधी मैदान का ही है, आप देख सकते हैं लोगों का भीड़ हुजूम। और ये गुंबज जो बनाया गया था, ये देखिए गतका, कुछ इस तरह की भीड़ देखने को मिली थी जिसे पता से प्रकाश पर्व के समय में, आप देख सकते हैं। ये पीएम मोदी पटना आए थे तब की तस्वीर, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तस्वीर ली हुई, एक तरफ नीतीश कुमार और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं किस प्रकार ये दोनों गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के तस्वीर को पकड़े हुए हैं। और ये जहाज जो चलाया गया था सिख श्रद्धालुओं के इधर लाने के लिए, ये सब यादें हैं जिसे समेटने की कोशिश की गई है। ये नगर की, ये गांधी मैदान जो टेंट बनाया गया था, जो गुरुद्वारे बनाए गए थे उसके अंदर का दृश्य आप देख रहे हैं। कंगन घाट ठीक है, काफ़ी सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं। नगर कीर्तन का ये दृश्य, और ये सब नगर कीर्तन का दृश्य, गतका, ये है गतका, ये यूएसए, पटना की सड़कों पे जो दिखा वो पहले कभी नहीं दिखा, जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। 350वें प्रकाश पर्व की उन्हीं यादों को समेटने की, दर्शाने की कोशिश की गई है इस पंडाल में। लाइट कम है,
और आप तक पहुंचने के लिए पहले मैं इसका लॉन्ग व्यू दिखा देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा, अपनी बातों को समेटूंगा। देख रहे हैं, क्योंकि मैं अपना वीडियो एडिट नहीं करता हूं, डायरेक्ट मैं अपलोड कर देता हूं, तो बहुत सारी खामियां आपको दिखेगी। देखिए कितना कलर अच्छा लग रहा है, कलरफुल लग रहा है ये जो बनाया गया है पवेलियन। आहिस्ता आहिस्ता रंग बदल रहा है, ये काफ़ी सुंदर लग रहा है और यही इसकी खूबसूरती है। तो आप देख रहे हैं ये दृश्य है जो 350 प्रकाश पर्व में नहीं आ पाए और उन्हें दिखाने की कोशिश की गई है, और जो आए हैं उनकी यादों को ताज़ा करने की कोशिश की गई है इस पवेलियन के द्वारा। अगर आप गांधी मैदान में जो बिहार दिवस चल रहा है, मनाया जा रहा है, अगर आप नहीं आए हैं तो कल भर ये दिवस चलेगा, ये आयोजन कल तक चलेगा, समय निकल कर आइए। अगर आप आए, अगर आ सकते हैं तो, अगर नहीं आए हैं तो मेरे वीडियो के द्वारा गांधी मैदान में जो बिहार दिवस चल रहा है उसे देखिए और उसमें अपनी कमी महसूस कीजिए। बहुत कुछ और ही बताएंगे हम, फिलहाल इतना ही।